मुंबई है, मुंबई पूरा खड्डे में भर गई है, खड्डे में मुंबई हो गई है। बारिश गिरते खड्डे आते, पैसा किधर जाता है? रोड बनाने के लिए कितना पैसा लेते हैं लोग, कितना कॉन्ट्रैक्ट निकलता है? इसके बाद अगर खड्डे गिर रहे और टोल चालू है, ये टोल नाका एमईपी के लिए, एमईपी मुंबई एंट्री पॉइंट जो दिया है वो रास्ते बनाने के लिए और रास्ते का मेंटेन करने के लिए दिया है, फ्लाईओवर का। अगर ऐसी चीज होने के बाद अगर वहां पे खड्डे गिर रहे तो रास्ते पे पब्लिक क्या करेगी? जनता, आम जनता गाड़ी लेके घूम रही है, गाड़ी का मेंटेनेंस निकल रहा है, पब्लिक को बैक पेन हो रहा है, क्या करने का? हम लोग रास्ते पे उतर रहे, मन से वहां पे जा रही थी, हम लोग सब जा रहे थे, महिला पुरुष, हमारे कार्यकर्ता वहां पे पहुंच भी गए, लेकिन हम लोग कुछ लोग थे, हमको पुलिस ने बीच में अड़ाया और यहां पे पुलिस स्टेशन लेके आए। पुलिस स्टेशन आने के बाद एमईपी के अधिकारी और पुलिस और हम लोग के बीच में चर्चा हुई। कल उनको मालूम गया कि मन से आने वाली है, तो रात को उन्होंने सवेरे 5 बजे लग, रात को चालू किया काम, सवेरे 5 बजे लग उन्होंने काम करके लिया, खड्डे भर के लिए है। लेकिन ये हम लोग आ रहे करके किया है, मन से आ रहे करके किया है, लेकिन ये अगर मन से आएगी तो ही काम होगा, तो ये बराबर नहीं है। खड्डे नहीं भरेंगे तो दूसरा एक्शन क्या रहेगा? खड्डे अगर नहीं भरे तो मन से रास्ते पे उतरेगी, ये टोल नाका बंद हो जाएगा। आपका ये भी कहना है कि उनको भर देंगे, नहीं भरेंगे खड्डे टोल नाका फ्री करने के लिए? आज हमारे कार्यकर्ता खड़े थे वहां पे, लोगों को आह्वान किया, लोगों को सबको बात समझाई, हमारे पैम्पलेट बांटे गए कि अगर रास्ते पे खड्डे गिरेंगे तो आप टोल मत भरो, ये हम लोगों ने टोल बंद का आज आंदोलन किया था। तो वैसे हमने आज गाड़ियां फ्री छोड़ी है, अगर ऐसे ही खड्डे रहेंगे, ऐसे ही खड्डे रहे तो कल टोल बंद हो जाएगा। मनसे का ये आह्वान रहेगा सरकार को, एमईपी को, एमएमआरडी, एमएसआरडी, जो भी संबंधित अधिकारी है उनको ये आह्वान है कि हम लोग रास्ते पे कोई भी स्तर पे उतरेंगे और ये टोल बंद कर देंगे।